नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र वर्मा और मैं इस समय जिस लोकेशन में पहुंचा हुआ हूं, ये है सांबा इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ टू में इस समय हम पहुंचे हुए हैं आपको एक यूनिट दिखाने के लिए। और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो हम यहां बनाने पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस फैक्ट्री के पास पहुँचने के लिए आपको अप्रोच रोड दिखाया जा रहा है। 30 फुट से प्लस का आपको यहाँ पे अप्रोच रोड मिल रहा है और आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं उनके शेड वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो फैक्ट्री है, ये हैचरी है जो हम सेल कर रहे हैं और इसकी प्राइसिंग जो है बहुत ही रीज़नेबल, यहाँ डिमांड के हिसाब से हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं ओनली 3 करोड़ 60 लाख। 4 कनाल से प्लस के एरिए में ये बनी हुई फैक्ट्री है, ये बनी हुई हैचरी है, रनिंग हैचरी है जो आपको इनसाइड से पूरा हम टूर करवाएंगे। और बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा और मैक्सिमम इसको शेयर करिएगा, क्योंकि इंडस्ट्री यूनिट लेना और मिलना बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ पे जम्मू में, सांबा के एरिए में हम इस समय पहुँचे हुए हैं। सेंट्रलाइज्ड एरिया है और फेज़ टू में ये जो फैक्ट्री बनी हुई है, हैचरी बनी हुई है, और इसको आप एज इट इज़ भी ले सकते हो और रनिंग में भी ले सकते हो। तो आएँ, आपको इनसाइड में ले चलें और सारी जो है हैचरी का इनसाइड का यूनिट आपको दिखा दें। मेन अप्रोच रोड हमने आपको दिखा दिया और अब हम आपको ले आए फैक्ट्री के इनसाइड के एरिया में। तो पहले आपको पूरा 4 कनाल का लैंड जो दिखाया जाएगा, ये 4 कनाल से प्लस की लैंड है। और ये जो हैचरी यहाँ स्टार्ट होती है यहाँ से, ये फर्स्ट यहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड का जो रूम मिल रहा है, गेट के साथ ही गेट कीपर का रूम है। और ये मेन हॉल्स हैं जो आपको आउट साइड से भी दिखाए जा रहे हैं। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे 100 KVA का यहाँ पे ट्रांसफार्मर है विद मैचिंग CTPT। और उसके बाद आपको दिखाएंगे सुधीर कंपनी का यहाँ पे जनसेट है, 82.5 किलोवाट का, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आपको मिल रहा है सुधीर कंपनी का बना हुआ। और उसके बाद ये बाथरूम्स हैं और चेंजिंग रूम्स हैं जो स्टाफ जो यूज़ करता है यहाँ पे। और ये सारी लैंड जो है पूरी यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी हुई है पूरे आउटसाइड के एरिया में। और उसके बाद ये आपको दिखाते हैं बाकी इसका सारा बचा हुआ एरिया, ये सेंट्रलाइज्ड, इसको एक पाथ दिया हुआ है दोनों शेड्स की तरफ लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए। आप इसको एज इट इज़ हैचरी परचेज कर सकते हैं या अदरवाइज़ पूरी बिल्डिंग विद लैंड परचेज कर सकते हैं। आपका और कोई यूनिट हो उस हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ले चलते हैं इनसाइड। इस यूनिट का आउटसाइड का पूरा एरिया हमने आपको दिखा दिया है और अब हम एंटर कर गए हैं फर्स्ट शेड में। तो आप देख रहे हैं आपको काफ़ी बड़े साइज़ का शेड जो है ये नज़र आ रहा है, शेड नहीं इनफैक्ट ये हॉल है और कंक्रीट हॉल है। तो ये देखिए बीम्स के साथ ये बना हुआ है, 14 फुट की हाइट का ये बना हुआ है। और अब बीम्स देखिए बहुत ही मजबूती वाले आपको यहाँ पे बीम्स नज़र आ रहे हैं। और इस हॉल का जो साइज़ है 30 फुट बाई 130 फुट है, 30 फुट ऐसे है, ये आप देखिए यहाँ इसकी विड्थ जो है 30 फुट की है और लेंथ जो है डेप्थ जो है वो 130 फुट की है। ऐसे दो हॉल्स आपको मिल रहे हैं इस पूरे यूनिट में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोटा स्टोन वगैरह जो वो लगाया गया हुआ है फूड इंडस्ट्री के हिसाब से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पैटर्न पे ये सारा कुछ बना हुआ है। और ये आगे मेन इनसाइड के यूनिट, ये है इनक्यूबेटर्स, ये भी सारी मशीनरी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे हम जो हैचरी का काम करते हैं। यहाँ पे वन डे के बर्ड्स जो हैं चिकन्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं इस पूरे यूनिट में। ऐसे ही आपको दो शेड्स हम दिखा रहे हैं, पहले हम आपको इनसाइड का पूरा यूनिट जो है वो दिखाएंगे। ये आगे कॉमन हॉल, कॉमन एरिया, आप इसको डिलीवरी रूम के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, हॉल के इनसाइड में ही है, हॉल के बिल्कुल साथ में लगते हुए एरिया में है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे आपका ऑफिस कॉम्प्लेक्स, यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं पूरी।
फर्स्ट मेन हॉल हमने आपको दिखा दिया और सेंट्रलाइज्ड एक हॉल दिखाया जहाँ से आप डिलीवरी वगैरह कर सकते हैं, स्टोर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब हम आपको दिखा रहे हैं ऑफिस कम्प्लेक्स। आप इस ऑफिस कम्प्लेक्स को अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको एक एंट्री जो डोर है, इंडिपेंडेंट एंट्री डोर है, मेन पार्किंग से आपको आते हुए यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने ऑफिस में एंटर कर सकते हैं। और पहले मैंने आपको मेन हॉल दिखा दिया है और उसके साथ ये आपको दिखाया जा रहा है सारा। और इसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आपको एक अटैच वॉशरूम भी हम दिखाना चाहते हैं, वो भी वर्किंग वॉशरूम है, वेस्टर्न सीट के साथ आप इसको मॉडिफाई करके मॉडर्नाइज कर सकते हैं। एक हॉल और पूरा हमने ऑफिस का कॉम्प्लेक्स आपको दिखा दिया और अब हम आपको ले जाते हैं दूसरे हॉल में जो इंटरकनेक्टेड है पहले वाले हॉल के साथ। तो आए आपको सेकंड हॉल में अब लेके चले। ऑफिस पोर्शन दिखाने के बाद अब हम आपको ले जा रहे हैं दूसरे हॉल में। ये आ गया इंटरकनेक्टेड, इसका पाथ यहाँ पे, ये वॉशिंग वगैरह का एरिया इनका है, यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह रखे जाते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं लोडिंग अनलोडिंग वाले एरिए में। ये एरिया मैंने आपको आउटसाइड से ऑलरेडी दिखा दिया है, ये खुल जाता है यहाँ से। और उसके बाद वो एरिया है वहाँ पे है बोरवेल लगा हुआ है अपना खुद का, यहाँ पे फैक्ट्री में बोरवेल जो है तैयार किया हुआ है। एक ये रूम है, यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के काम हो जाते हैं, जो एग्स आते हैं और यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और उसके बाद हैचरीज में इनसाइड में मशीन्स के ले जाया जाता है। और अब हम पहुँच गए हैं दूसरे हॉल में, सेम हाइट का सेम साइज़ का ये भी हॉल है। कॉर्नर टू कॉर्नर आपको ये हॉल पूरा घुमा के दिखा देते हैं। ये ट्रेज वगैरह मिल रही हैं आपको, ये सारा हैचरी का ही सामान है, हैचरी में काम आता है सारा। ये बड़े बड़े जो हैं सक्शन फैंस हैं जिससे यहाँ पे कूलिंग रहती है। और आपको कूलिंग जो एक टनल है वो भी दिखाएंगे। ये जो हॉल है ये भी 30 फुट बाई 130 फुट का है, काफ़ी बड़े साइज़ के आपको यहाँ पे पूरी कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग मिल रही है। 10,000 स्क्वायर फुट के करीब ये एरिया जो है कवर्ड एरिया है, 4 कनाल से प्लस का ये पूरा जो है यूनिट का एरिया है। और अब हम पहुंच गए हैं ये इनके दूसरे इनक्यूबेटर्स वगैरह में। 3 इनक्यूबेटर की मशीन हमने एक हॉल में आपको दिखाई हैं, यहाँ पे जो है और काफ़ी सारी मिल रही हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 टोटल यहाँ पे ये लगे हुए हैं इनक्यूबेटर्स। इनके डिफरेंट पर्पज़ हैं, जो टेक्निकल यहाँ से हैचरी वाले हैं उनको पता लग जाएगा। ये आ गया कूलिंग पैड्स वाला जो है, ये कूलिंग टावर टाइप काम करते हैं, यहाँ पे पानी डाला जाता है और यहाँ से सारी जो है हवा, ठंडी हवा इस टनल में से होके आउटसाइड की तरफ चली जाती है। जो बड़े बड़े हमने आपको फैंस दिखाए हैं उनका ये काम है, यहाँ से गर्म हवा जो है बाहर निकाल देना और ये दोनों साइड से जो है ठंडी हवा आती है। और ये जो हमने आपको दिखाया जो यहाँ पे आउटसाइड में ट्यूबवेल अपना बना हुआ उससे पानी लिया जाता है और ये सारा इसकी चैनलिंग हुई है। और ये यहाँ से पूरी कूलिंग जो है इन मशीन्स को कूल करते हुए पूरे हॉल को जो है ठंडा रखती हैं। तो ये देखिए सारा जो है आपको हम दिखा रहे हैं इस समय यूनिट। आप चाहें तो हैचरी एज इट इज़ ले सकते हैं, एज इट इज़ हैचरी का मैंने आपको प्राइस बता दिया है, 3,60,00,000 में एज इट इज़ हम दे रहे हैं। रनिंग यूनिट है हैचरी का। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये हैचरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मशीन्स हम हटा देंगे बिल्डिंग और अलॉन्ग विद जेन सेट्स के साथ, अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपका हैचरी का काम नहीं है तो अदरवाइज़ जो है हमने इसकी कॉस्ट रखी है 3,40,00,000। और अगर आप हैचरी लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो सामान है इसमें ऑलरेडी आपको मिल रहा है। डीजी सेट जैसे मैंने आपको बोल दिया, बोरवेल है यहाँ पे, प्रेशर पंप हैं, इक्विपमेंट वगैरह धोने के लिए, कूलिंग पैड्स, फैन, ये सारा कुछ है। और फेंसिंग वगैरह ऑलरेडी हो चुकी है इस पूरी फैक्ट्री में। और ये बहुत ही अच्छा यूनिट रहेगा आपको, आप चाहें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि
कमर्शियल यूनिट जो है वो बहुत कम मिलते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन है यहाँ पे 62.22 किलोवाट का, 63 किलोवाट का यहाँ पे आपको जो है मिल रहा है। और इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे ये रनिंग यूनिट है। और आसपास की फैक्ट्रियाँ आपको दिखाते हैं इनसाइड से ही। अब देखिए फेज़ टू में सांबा में हम इसमें पहुँचे हुए, पूरा जो है आपको इंडस्ट्री यूनिट आसपास में पूरे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ये डिमांडिंग एरिया है और यहाँ पे आपको जो है एक यूनिट मिलना बहुत ही खुशकिस्मती वाली बात है। तो आप इसको ज़रूर कंसिडर करें और हम चाहेंगे आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।